यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो देखिए, आज हम एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम कार्बाइड। तो कार्बाइड से हम कैसे हाइड्रोकार्बन का प्रेपरेशन करते हैं, ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब अगर हम बात करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? ये टॉपिक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, और इन कार्बाइड की हेल्प से हम हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जनरली ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि हाइड्रोकार्बन हम कार्बाइड से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि कार्बाइड क्या होते हैं। व्हाट इज कार्बाइड? कार्बाइड क्या होते हैं? द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट। अब जो अदर एलिमेंट हो सकता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर भी हो सकती है कार्बन के। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर कॉल्ड कार्बाइड। तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड कार्बन के अदर एलिमेंट्स के साथ, इनको हम कार्बाइड बोलते हैं। ठीक है, एंड दीज कार्बाइड कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरी। इनको हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपने पास आयनिक कार्बाइड, दूसरा होता है अपने पास कोवलेंट कार्बाइड, और जो थर्ड कैटेगरी होती है अपने पास दैट इज इंटरस्टीशियल या मेटैलिक कार्बाइड भी इनको बोलते हैं। इंटरस्टीशियल या मेटैलिक कार्बाइड। तो जनरली कार्बाइड को हम थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, आयनिक कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड और इंटरस्टीशियल कार्बाइड। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके आयनिक कार्बाइड, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बाइड जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे आयनिक कार्बाइड। तो आयनिक कार्बाइड हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, तो दीज आर जनरली फॉर्म बाय, कौन बनाता है इनको? एलिमेंट ऑफ फॉर्म बाय एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, 2 and 3 ग्रुप एलिमेंट एक्सेप्ट बोरोन। ठीक है, बोरोन को छोड़ के जो 1, 2, 3 ग्रुप के एलिमेंट है वो आयनिक कार्बाइड बनाते हैं। नाउ दीज आयनिक कार्बाइड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। दिस इज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। एक होता है अपने पास मिथेनाइड,
दूसरा होता है अपने पास एसिटालाइट और थर्ड टाइप जो आयनिक कार्बाइड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज एलाइड्स। अब ये मिथेनाइड क्या होता है? मिथेनाइड की जो जनरली इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका जो पहचानने का तरीका है कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह के कार्बाइड को हम बोलते हैं मिथेनाइड। और एसिटालाइड को हम कैसे पहचानेंगे? दिस इज C2 2 नेगेटिव। अगर हम इसको ऐसे ओपन करके लिखें तो इस तरह से ये इसका पहचानने का तरीका है। और एलाइड्स की अगर हम बात करें तो जो अपना एलाइड्स होता है दिस इज C3 4 नेगेटिव, C3 4 नेगेटिव। और अगर मैं इसको इस तरह से ओपन करके लिख लूं तो ये एक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे और एक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, सॉरी 3 नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना रहता है यहाँ पे? 3 -1 दैट इज -4। और यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना रहता है? -2। किस केस में? एसिटालाइड के केस में, ठीक है। अब इनको मिथेनाइड, एसिटालाइड और एलाइड्स क्यों बोला जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कार्बाइड हमें अपने को यहाँ पे देखे हमने। फर्स्ट अपने पास मिथेनाइड, मिथेनाइड को जनरली पहचानने का तरीका क्या है? सी के ऊपर 4 नेगेटिव। अब इसको मिथेनाइड क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस, बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस मिथेन गैस। ऐसे कार्बाइड जनरली हाइड्रोलिसिस पर मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले लूं, बेरिलियम कार्बाइड की अगर मैं बात करूं तो ये एक बेरिलियम के ऊपर होगा +2 चार्ज, चार बेरिलियम के होगा कार्बन के ऊपर आ गया -4 चार्ज, ठीक है। एक बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज, तो दो बेरिलियम के ऊपर कितना हो जाएगा? +4। अगर बेरिलियम के ऊपर +4 चार्ज है तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -4। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूं यहाँ पे तो इसको देखिए हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। बी के ऊपर +2 चार्ज, सी के ऊपर -4 चार्ज, और एच हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे एच प्लस और ओ एच आयन पड़े हुए हैं अपने पास। तो क्या कर दीजिए, इस नेगेटिव आयन का पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन कर दीजिए और इस पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर दीजिए। यहाँ पे अपने पास 4 नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे अपने को 4 प्लस चार्ज लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे चार्ज न्यूट्रल होगा। यहाँ पे बेरिलियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, मतलब यहाँ पे अपने को 2 हाइड्रोक्साइड आयन देने पड़ेंगे, तब जाके ये चार्ज यहाँ पे न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है अपने पास, मिथेन गैस प्लस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है अपने पास मिथेन गैस प्लस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको मिथेनाइड क्यों बोला जाता है? ऐसे कार्बाइड जो हाइड्रोलिसिस करने पर मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मिथेनाइड्स बोलते हैं। जिसमें हमने एक देखा बेरिलियम कार्बाइड, दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो अगर इस एल्यूमिनियम कार्बाइड का मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दूं, एल्यूमिनियम कार्बाइड का अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम और 4 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? 4 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होगा, तो 4 के ऊपर हो जाएगा +12। अगर यहाँ पे +12 है तो 3x +12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12/3 दैट इज -4। तो अपना एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होगा यहाँ पे? -4। मतलब ये एल्यूमिनियम भी आपका क्या बना रहा है? मिथेन,
ये एल्युमिनियम भी अपना क्या बना रहा है, अगर यहाँ पे हम बात करें तीन कार्बन के ऊपर होगा -12 चार्ज, तो एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा यहाँ पे -4। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम भी हमारा क्या बना रहा है, मिथेनाइड। और जो मिथेनाइड बनाते हैं वो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन गैस। तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास यहाँ पे मिथेन गैस, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इन रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 12H2O और यहाँ पे आ गया अपना ये 4AlOH थ्राइस और यहाँ पे आ जाएगा अपना ये 3CH4 मॉलिक्यूल। इसी तरह आप ऊपर वाले रिएक्शन को भी बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिए 4 वाटर मॉलिक्यूल और मीथेन का एक मॉलिक्यूल बन गया और 2 मॉलिक्यूल बन गए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बात करी मिथेनाइड की। इसी तरह हम बात कर रहे थे एसिटालाइड और प्रोपेलाइड की, एसिटालाइड और प्रोपेलाइड की। तो सेकंड है अपने पास एसिटालाइड। अब एसिटालाइड क्यों नाम पड़ा, एसिटालाइड हम क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस करने पर दे विल प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस, दैट इज CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है दिस CaC2, ये क्या बनाता है आपका एसिटालाइड। और अगर मैं इसका यहां पे हाइड्रोलिसिस कर दूं, देखिए ये है अपने पास यहां पे Ca+2 और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन -1 चार्ज यहाँ पे, ये अपने पास है वाटर H+ और OH-। तो यहाँ पे ये अपना पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन कर दीजिए, यहाँ पे अपने को 2H लेने पड़ेंगे, यहाँ पे अपने को 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास दिस H+CH+CaH, तो ये फर्स्ट दो प्रोडक्ट बन जाएंगे अपने पास कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें। तो यहां से हमने क्या देखा कि आपका जो कैल्शियम है वो हाइड्रोलिसिस पर एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसके कार्बाइड को हमने क्या नाम रखा, एसिटालाइड। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे SrC2 का जो कार्बाइड होता है ये भी आपका एसिटालाइड बनाता है और हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पे भी अपने को एसिटिलीन गैस मिलती है प्लस SrOH का हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी अपने को एसिटिलीन गैस मिल रही है, इसलिए आपका कैल्शियम और स्ट्रोंशियम कौन सा कार्बाइड बना रहे हैं, दे विल फॉर्म एसिटालाइड। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे जो थर्ड टाइप ऑफ कार्बाइड है अपना हैलाइड्स, इसका पहचान हमने क्या बताया था, इसको कैसे पहचानेंगे आप, C3 4 नेगेटिव, ये इसका पहचान है C3 4 नेगेटिव। और इसको हम एलाइड्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस अगर हम ऐसे कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं दे विल प्रोड्यूस प्रोपेनाइड गैस। कौन सा गैस ये प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे प्रोपेनाइड गैस बनाते हैं।
प्रोपाइन बोल सकते हैं, प्रोपाइन गैस, ठीक है, इस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये प्रोपाइन गैस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलिसिस पर। रिएक्शन करके देख लेते हैं, तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो मेरा मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम कौन सा कार्बाइड बनाता है, ये अपना एलाइड्स बनाता है। क्यों? अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें यहाँ पे, तो हाइड्रो, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये है अपने पास ऐसे Mg+2 एक मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे C C C ये ट्रिपल बोन, तो यहाँ पे -1, और ये सिंगल बोन, तो यहाँ पे -3 चार्ज, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा अपने पास H+ आयन, OH- आयन, इस वाले कार्बन पे अपने को 3H देने हैं, इस वाले कार्बन पे अपने को H ऐड करना है, और इस मैग्नीशियम के साथ अपने को यहाँ पे 2H चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH+ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सी गैस मिल रही है अपने को हाइड्रोलिसिस पर? प्रोपाइन गैस। तो इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? प्रोपाइन, प्रोपेनाइड्स बोला जाता है, एलाइड्स बोला जाता है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, अगर हम यहाँ से कंक्लूड करें, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम, ये इनके जो कार्बाइड होते हैं इनको हमने नाम दिया मिथेनाइड्स, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो कैल्शियम हो गया और स्ट्रोंशियम हो गया, दे विल फॉर्म एसिटालाइट, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पर ये एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड कार्बाइड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम कार्बाइड और मैग्नीशियम अपना यहाँ पे प्रोपाइन गैस रिलीज करता है, इसलिए हम इनको प्रोपेनाइड्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।